यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और पंचकुला से अगली खबर है, जहां पर साधु को नपुंसक बनाने का मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला से 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का ये मामला है। और यहां पर डॉक्टर पंकज गर्ग की जमानत खारिज करने पर आज सुनवाई होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम रहीम, डॉक्टर महेंद्र और डॉक्टर पंकज को सीबीआई ने आरोपी बनाया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शशि अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि, तो आज ये साधु हैं जो 400 साधु थे, इनको नपुंसक बनाने का भी मामला था, इसके ऊपर भी सुनवाई होनी थी। बिल्कुल कीर्ति जी, इस तरीके से डेरा सच्चा सौदा में जो है 400 से ज्यादा साधुओं का नपुंसक बनाए जाने का जो मामले का खुलासा हुआ था, उसकी सुनवाई भी पंचकुला स्थित जो हरियाणा की सीबीआई कोर्ट है उसमें चल रही है। आज इसमें जो केस लगा हुआ है, दोपहर बाद इसमें सुनवाई होनी है और बाबा इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पेश हो सकते हैं। इसके अलावा जो दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पंकजगढ़, उनको उन्होंने जो अपनी जो जमानत खारिज करने पर जो याचिका जो लगा रखी उस पर भी आज सुनवाई होने की उम्मीद है। जी, तो क्या कुछ हो सकता है इस सुनवाई के दौरान? जिस तरीके से उन्होंने अपनी जमानत याचिका अपनी लगा रखी है उस पर जमानत उन्हें मिलती है या नहीं मिलती है कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। इसके अलावा जो दो लोगों को इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया था, दो डॉक्टर इन्वॉल्व थे जिसमें डॉक्टर महेंद्र इंद्र और पंकज गर्ग, ठीक है, तो ये आरोपी बनाए गए थे, इन लोगों पर आरोप था। तो अब इसी मामले में अभी जो जिस तरीके से बहस चल रही है, देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें किस तरीके का क्या फैसला रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि अरोड़ा तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर 400 साधुओं का नपुंसक बनाने का मामला है और राम रहीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुनवाई में शामिल हुए हैं। और यहाँ पर डॉक्टर पंकज गर्ग ने हाईकोर्ट से जमानत ली थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सीबीआई ने डॉक्टर पंकज की जमानत खारिज करने की अपील की थी।